अभी हम जा रहे हैं म्यूजियम के अंदर, ये रहा प्रवेश द्वार। गार्ड अंकल बैठे हैं यहाँ पर और इनको हम अपना दिखाएंगे पास। तो अंकल ने पास कर दिया हमारा पास। और भाई लिटरली कितना मौसम लग रहा है ये देख लो, ये 13 अप्रैल। ओ भाई छोटी छोटी मोमबत्ती लगा रखी है। यादे जलिया अंदर। ओ भाई सेकंड फ्लोर भी है यहाँ पर। आ जाओ इधर आ जाओ, ये देख लो भाई क्या ऑसम लग रहा है यार। ये हमारे प्रधानमंत्री। और अभी ना मतलब ना वो जो ये देख लो कितना सुंदर लग रहा है, चला रखा है और है भाई अंदर अलग ही लेवल का दिखा रखा है भाई। मेरे को तो काफ़ी अजीब सा लग रहा है, देख के डर सा लग रहा है। ये देख लो इफ डायर वो विल द रिमेम्बर मी। यहाँ पर मतलब एक बड़ी सी टीवी लगा रखी है और इसके अंदर दिखा रहे कि क्या क्या हुआ था। मेरे पीछे कुछ ऐसे तस्वीर लगे हैं भाई जिनको देख के पूरा लगता है कि इतिहास हमारा कितना गजब रहा होगा। और ये देख लो मतलब यहाँ पर भी टीवी लगी है और यहाँ पर है उस जमाने में कैमरा था। और यहाँ पर मेसोपोटामिया से भी रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं, फ्रांस ये वो लोग हैं जो मतलब जलियांवाला बाग से मतलब जो क्राइम हुआ था उस टाइम उससे रिलेट करते हैं। और इनको कानून के तहत मतलब जो भी सज़ा मिली हुई है, इनके हाथ में हथकड़ियाँ भी लगी हुई है, देखो मतलब असली लग रहे हैं चारों के चारों, असली बना रखा है। काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो भाई बहुत अच्छा लग रहा है देख के, मतलब पूछो मत कैसा फील हो रहा है थोड़ा। हाँ मतलब लग रहा है कि क्या क्या चीज़ हुआ, कैसे ऐसे हुआ, ये सब चीज़ें देख के तुम्हें फील होगा कि रियलिटी में कैसा हुआ होगा उस समय। और यहाँ पर मैप दिखा रहा था अपनी इंडिया का, और ये रहा हमारा इंडिया का मैप जिसके अंदर तो अभी पंजाब, इस मैप के इससे देखा जाए तो पंजाब तो काफ़ी बड़ा था उस समय, पर अभी के समय बहुत छोटा हो गया है क्योंकि बहुत सारे राज्य बन गए हैं। ये देख लो ये रहा हमारा पूरा इंडिया का मैप, पहले कैसा लगता था। ये अखंड भारत है आपको पता है, ये जितना भी है ना ये पूरा अखंड भारत है, जो उस समय ना सिर्फ इंडिया इंडिया ही था, इतना बड़ा जो भी है पाकिस्तान जम्मू कश्मीर से जो भी है सब मिक्स हो के ये पूरा पीछे तक। अब तो टूट गया, अब सिर्फ भारत बचा है, पहले अखंड भारत था जिसके अंदर बहुत सारे देश अभी भी शामिल थे। अभी ये पहली बिल्डिंग थी जिसके अंदर हम गए और जलियांवाले बाग से काफ़ी रिलेटेड चीज़ रखी हुई थी। अब हम दूसरे म्यूजियम में जा रहे हैं, वहाँ देखते हैं कि क्या क्या चीज़ होने वाला है। तो अभी हम जा रहे हैं दूसरे वाले मतलब म्यूजियम है उसके अंदर, और स्टार्टिंग में गुलशन भी हमेशा आगे रहते हैं पर निकलते हैं पीछे से क्योंकि बोर हो जाते देख के। खैर छोड़ो भाई, अंदर जाने के बाद जो फील है ना, ये देखो ये एक टोपी रखी हुई है, वैसे इतने मतलब ये जो आदमी है ना भाई इतने सज्जन आदमी थे ना पूछो मत, जिनकी टोपी रखी हुई है। ये टोपी पता है किसकी, गुलशन भैया, गुलशन भैया कैसे कहना है कि ये सुभाष चंद्र बोस की टोपी रखी हुई है। वैसे एक बात बताऊँ यहाँ पर लिखा भी है सुभाष चंद्र नहीं लिखा पर चंद्र लिखा है तो उससे अंदाज़ा लग गया। हाँ ये देखो ये लिखा है पूरा नेताजी सुभाष चंद्र बोस, तो ये उन्हीं की टोपी है, ऊपर फोटो भी लग रही है। ये काफ़ी सज्जन आदमी थे और इन्होंने बहुत मतलब जो लड़ाई थी उनमें साथ दिया देश को आज़ाद करवाने के उसमें, और यहाँ पर लाल किला से आज़ादी के समय बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि ऐसा कहा जाता है ना लाल किला के अंदर सुभाष चंद्र मतलब कैदी बना के रखे गए थे, जो लाल किला है उसके जेल में सुभाष चंद्र जी को रखा गया था कुछ दिनों तक। और यहाँ पर भाई तलवारें रखी हुई है दिखाते हुए, और मुझे यहाँ पर गुलशन भैया ने कुछ चीज़ें दिखाई है। ये वाला बॉक्स तो खाली पड़ा है पर इसके अंदर देख लो कितनी सुंदर चीज़ है, ये है भाई तलवार, तलवार है और म्यान है। म्यान पे तो जो मतलब
कोटिंग होती है जो भी होती है वो तो भाई हट रही है, वैसे लग रहा है सोने का है पर क्या पता सोने का भी हो। और इसके ऊपर देख लो कितना सुंदर डिज़ाइन कर रखा है, और तलवार कितनी चमक रही है। अगले बॉक्स में देखता हूँ क्या है। अगले बॉक्स में भाई रखा हुआ है कुछ पासपोर्ट साइड लग रहा है, जैसे पासपोर्ट नहीं होता पासपोर्ट, या फिर बाहर देश में तुम ट्रैवल कर रहे हो तो उसके लिए पासपोर्ट बनाना पड़ता है, तो सही से दिख नहीं रहा क्योंकि लाइट है ना, तो इसलिए सही से दिख नहीं रहा। वैसे तुम देख लो, मैं फोकस करता हूँ उस पर। ये देखो किसी की तस्वीर लगी हुई है, और ये पोस्टर कितना सुंदर लग रहा है, बढ़िया है। और यहाँ पर और भी चीज़ें रखी हुई है, और यहाँ पर गुलशन भाई को कुछ नोट भी दिखे हैं। ये देखो उस समय के नोट जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे, 1 रुपये 100 रुपये, मतलब ये कितने कीमती चीज़ है भाई, पूछो मत। और यहाँ पर कुछ मेडल्स या जो भी है बैच रखे हुए हैं, उस समय वो वाला मेडल देखोगे ना तो उसमें ना इंडिया पूरा बना हुआ है, मतलब उसके में पाकिस्तान भी जुड़ा है। उस समय लग रहा है ना कि ये जबकि चीज़ें जब पाकिस्तान अलग नहीं हुआ था। और ये देखो भाई, ये जो मतलब कोई ऑफिसर हो या कोई भी हो, जब बैच चढ़ते हैं उसके बैच रखे हुए हैं, कितने पुरानी पुरानी चीज़ें रखी हुई हैं। उस समय ऐसा कपड़ा भी होता था क्या, लिखा क्या है, आज़ाद हिंद फौज के मेजर और कप्तान के कंधे पर लगाए जाने वाले बैच। और मुझे यहाँ पर ना एक सिंहासन दिख गया है, नेताजी की कुर्सी लिखा हुआ है, उसे देख लो कितना अलग ही लुक लग रहा है भाई, मतलब सही में लिटरली में ऐसा होता था क्या महाराजा राजाओं का, कितना सुंदर लग रहा है। ये देखो, ये तुम देख पा रहे होगे, ये देख लो कुर्सी कितनी बड़ी लग रही है, और इसमें ना प्योर लेदर लगा हुआ है, और चमक अभी भी है, कितनी पुरानी पर चमक अभी भी है, और ये शीशे से पैक कर रखा है ताकि गंदा ना हो। देख लो भाई कितनी सुंदर लग रही है, और ये लग रहा है कुछ राजा महाराजा वाला चीज़। तो आगे चलते हैं, आगे भी बहुत सारी चीज़ें हैं, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं म्यूजियम में जो देखने लायक चीज़ है। आओ भाई देखो, मुझे तो काफ़ी मज़ा आ रहा है। ये तुम देख लो, मतलब मूवी चला रखी है, और ये अपने डॉक्टर भीमा अम्बेडकर की जो कहानी है वो है शायद, कौन है, जानकी नाथ बोस। ये बोस परिवार है, सुभाष चंद्र बोस परिवार, जो सुभाष चंद्र बोस लगता है ये बोस फैमिली है, वहाँ पर लिखा भी है बोस परिवार। ये देखो ये सुभाष चंद्र बोस दिख रहे हैं आपको, ये जो सुभाष चंद्र बोस है ना उनकी फैमिली है शायद, मेरे को लग रहा है ना वो जो गोदी में बैठे हुए हैं ना वो शायद सुभाष चंद्र बोस हैं, और कितना बड़ा परिवार है इनका। आगे बढ़ते हम, सेम ऐसे मिरर में पैक करके रखा हुआ है देख लो, और सुभाष चंद्र बोस की टोपी भी रखी हुई है, टोपी है ना वो सुभाष चंद्र बोस की। भाई इधर से घूम के दिखाता हूँ मैं तुम्हें, ये देखो ये जो दिख रहा है ना सुभाष चंद्र बोस की टोपी है, 1-2 टोपी भी है, और इतनी मोटी मोटी किताबें पढ़ा करते थे ना, देख लो भाई किताब देख लो कितनी ज़्यादा है, आज़ादी पुस्तिका, ये मोटी मोटी किताबें, और यहाँ पर कुछ पैसे और किताबें रखी हुई हैं भाई, मतलब इतना कुछ होता था पूछो मत, कितना सुंदर सा लग रहा है। उस समय ना जो हमारा इंडिया का फ्लैग होता था, इंडिया का फ्लैग है ना वो उसमें जो गोल गोल चक्री रहती थी ना, उस समय वो चक्री नहीं होती थी, तो उस समय का फ्लैग देख लो, ये देखो उस समय का फ्लैग है और इसके अंदर चक्री नहीं है, खाली पड़ा है बीच में से, और ऐसा बनाया था मतलब इंडिया का जो झंडा था वो उस समय ऐसा था, इसके अंदर गोल नहीं था। और यहाँ पर कुछ हथियार और चेकबुक, शायद चेकबुक लग रहा है मुझे जो पैसे वाले होते हैं, पर उस समय बैंकों का सिस्टम नहीं होता था, वो कुछ और है मुझे तो समझ नहीं आया भाई। तो गाइस पूरा लाल किला घूम लिया मैंने, और मतलब इतने सारे म्यूजियम और इमारतें थे वो सारे घूम के मतलब हम जा रहे हैं अब कुछ खाने के लिए, क्योंकि भूख बढ़ते जा रही है हमारी। और देखना मतलब वीडियो को भाई एंड तक देखना, और लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। अब जा रहे हैं हम कुछ खाने के लिए, क्योंकि हम दोबारा मार्केट में आ गए जहाँ से हम आए थे, अब दोबारा हम वहीं जा रहे हैं। तो भाई अभी देख लो मतलब पूरी बारिश बारिश हो रखी है,
और भाई बगल में ही छोले भटूरे वाले हैं, ये रहे छोले भटूरे वाले भैया, और हम यहाँ पर छोले भटूरे खाएंगे। गुलशन भैया हाथ धो रहे हैं। मैं भी तैयार हो रखा, बस मैं जा रहा हूँ हाथ धो ले रहा हूँ, फिर खा ले रहा हूँ, फिर हम घर के लिए चले जाएंगे। ये जो दो मैजुक दिख रहा है ना, इससे मतलब हाथ धोने के लिए रखा हुआ है इसको, इससे तुम हाथ धो सकते हो। तो मैं भी धो ले रहा हूँ थोड़ा सा, पानी क्यों नहीं आ रहा भाई। ठीक है भाई, ये देखो तुम भाई कितना औसम लग रहा है छोला, और यहाँ पर चावल भी रखे हैं, और भैया छान रहे हो गरम गरम भटूरे, मतलब मजा आने वाला है खाने में। गुलशन भैया कैसा लग रहा है? गाओ। ये देखो खाना भी स्टार्ट कर दिया इनने। मेरी प्लेट आने वाली है अभी, और इनका आ गया, और एक भटूरा खत्म भी हो गया। ये मिर्ची के अचार है, और ये गाजर के अचार, और ये चावल। तो ये रहा मेरा प्लेट, और ये देख लो, ये रहे दो भटूरे, और मैं भी खाना स्टार्ट कर रहा हूँ। तो फाइनली गाइस, इतना ज़्यादा घूमने के बाद ना, हम अपने बादली गांव में आ चुके हैं। और एक चीज़ बताऊँ, बारिश तो तेज़ हो ही रही है, और भाई हम सुबह के समय निकले थे और 1:30 बज चुका है, पर धूप बिल्कुल नहीं निकली। वैसे घूमने में तो काफ़ी मज़ा आया। अगर आपको ब्लॉग पसंद आया ना, तो भाई लाइक और सब्सक्राइब कमेंट सब कर देना।